Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Back to Part. So guys, आज का vlog start करते हैं आलू प्याज के पराठे के साथ। तो आज बना रही हूँ आलू प्याज के पराठे और मेरा यहाँ पर चल रहा है vlog और यहाँ मैं देख रही हूँ हमारा कल वाला vlog और यहाँ बन रही है चाय और यहाँ मसाला रेडी कर रही हूँ। साफ सफाई सारी हो गई है, सारा काम हो गया है, घर का खाना पड़ गया, सारा पूजा हो गई है। अब आलू प्याज पराठा रेसिपी आपको टाइम लैप्स में दिखेगा थोड़ा जल्दी जल्दी। गाइज अब मैं जा रही हूँ हेमू के घर थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के लिए, वहाँ पर मिलने के लिए, और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो मैं चलती हूँ हेमू के घर और देखते हैं वहाँ क्या क्या चल रहा है। तो गाइज हेमू के घर पहुँच गए हैं, सारा अंधेरा अंधेरा कर रखा है, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। चंदू भैया बाहर चले गए हैं, पता नहीं पानी लेने गए हैं क्या लेने गए हैं। गहरी नींद में है बच्चा, आँख खोल रहा है। इधर आज मच्छर ने काटा है क्या? पानी हाँ। किसके लिए? आपके लिए। क्या बात है, आपको बच्चे के सोने का फायदा उठा रही है हेमू। यहाँ पर शिवाय सो रहा है और ये नाखून कटिंग कर रही है। ये नाखून कट करने में लगी हुई है यहाँ पर, उसे पता नहीं चल रहा क्या? बिल्कुल भी मुंह नहीं बना रहा वो अभी। अब हिल रहा है भाई। शिवाय शिवाय तो गाइस शिवाय रेडी हो गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय रेडी हो गए हैं धोती कुर्ता पहन के, अब ये जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाना है आज, हाँ चलो घूमी घूमी। रेडी हो गए, रेडी हो गए, चले चले घूमी घूमी। गाइस शाम का टाइम हो गया है, टी टाइम मतलब हमारा, और अब बना रही हूँ मैं पास्ता। और यहाँ पर मैंने काट के रख दिया प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और ये है ओरिगैनो। चिली फ्लेक्स नहीं है मेरे पास, नहीं तो वो भी डालते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं बनाऊँगी मैक्रोनी और ये मिर्च भी मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाली है, मिर्च सूख गई थी मैंने वही काट दी है, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। तो आज कोई नहीं, सूखे मिर्च का टेस्ट ले लेंगे। तो गाइस ये हमारा पास्ता रेडी हो गया और चाय भी रेडी हो गई। तो दगड़ियों भावना ने मेरे को खिला दिया है ज़बरदस्त, यहाँ पे स्पाइसी क्या बनाए थे, पास्ता बनाया था, पास्ता और मैक्रोनी मिक्स बनाया था। और मैदे का खा के मुझे डर भी लग रहा है कहीं मोटा ना हो जाऊँ, क्योंकि वर्जिश कुछ हो नहीं रही है, लेटा ही हूँ, जैसे लेटा हूँ बस ऐसे ही लेटा ही हूँ, क्योंकि पैर को हिलाना नहीं है और पका पलस्ता चढ़ा हुआ है। और भावना मेरे को ऐसी डिशेज खिलाते जा रही है देखो बैठ के, क्योंकि खाना तो खाना ही है, ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, फिर उसके बाद शाम का नाश्ता, फिर रात का चाचा टाइम हो जा रहा है और पेट बिल्कुल लग रहा है कि बढ़ोतरी हो रही है, वज़न बढ़ जाएगा। तो कोई नहीं, घर में वज़न बढ़ाने के लिए है भी है और क्या है, जल्द से जल्द पैर ठीक हो जाएगा, फिर वर्कआउट हो जाएगा। आप बस बने रहिए और आपके अपने चैनल बैक टू पार्ट को एंजॉय करते रहिए और दीपू भाई को सपोर्ट करते रहिए, ताकि अगली बार से यहाँ घिरना ना पड़े यार बारिश में, अगली बारिश गाँव में हो।
सपोर्ट चाहिए यार आपका। अंकल आंटी भी आ गए हैं यहाँ पर खबर लेने के लिए। तो गाइस अभी अंकल आंटी आए थे, आके आंटी को चले गए हैं और मेरी मंदिर में पूजा हो गई है और अब मैं बनाती हूँ खाना, तो डिनर की तैयारी करती हूँ और मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।